उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में मोतीगरपुर थाना क्षेत्र में चोरों ने नए थाना इंचार्ज को चोरी की वारदात अंजाम देकर सलामी दी है। चार घरों को निशाना बनाया है। चोर छत के रास्ते से घर में घुसे और नकदी जेवरात के साथ हजारों रुपए के सामान लेकर फरार हो गए। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची है पुलिस। फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड ने मामले की छानबीन शुरू की है। जानकारी के अनुसार घटना मोतीगरपुर थाना क्षेत्र के गोरसरा गाँव की है। मंगलवार रात चोरों ने यहां चार घरों को निशाना बनाया। गांव निवासी सरचन पांडे के घर में छत के रास्ते घुसे चोरों ने बक्सा, अलमारी और अटैची तोड़कर 10,000 रुपए की नकदी के साथ लाखों के आभूषण पर हाथ साफ कर दिया। बगल में पीयूष पांडे के घर में भी चोरों ने दस्तक दी। यहां भी चोर छत के रास्ते से घर में दाखिल हुए। बक्से और अलमारी में रखी कीमती आभूषण के साथ पर्स में रखी नकदी भी उठा ले गए। सारा सामान जेवर नकदी सारा कुछ उठा ले गए और लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए का गहना, 20,000 नगद। बगल में भी है? बगल में भी किसी? हाँ, बगल कुल मिला एक उतने बार सकते थे। अच्छा, सोने में क्या क्या था? चांदी में? चांदी में पाउजेब। 200 मीटर की दूरी पर ओमप्रकाश पांडे के यहाँ छत पर चढ़कर जीने के सहारे चोर घर में घुसे और यहाँ भी चोरों ने नकदी और कीमती सामानों को समेट लिया। बगल के मकान में उमाशंकर पांडे के यहाँ भी चोरों ने धावा बोला। यहाँ से भी चोर नकदी व जेवरात उठा ले गए। सुबह जब लोगों की नींद खुली तो उन्हें चोरी की जानकारी हुई। पीड़ित परिजनों ने मामले की सूचना डायल 112 के साथ ही स्थानीय पुलिस को दी है। मोतीगर पुलिस फॉरेंसिक व डॉग स्क्वाड टीम के साथ मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है। एक ही रात में चार घरों में हुई चोरी के बाद पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी रोष व्याप्त है। शादी की डेट 9 फरवरी फिक्स है। 9 फरवरी को बारात जाएगी। हो सकता है कि किसी जासूसकार ने पहले से उनको जासूसी की हो, इसी वजह से। लड़के की शादी थी तो हो सकता है इसी मनसा से पूरी। सामान कितने का रहा होगा लगभग? कुल हमारा कुल सामान लगभग में 3 लाख के रुपए का ऐसा महसूस होता है चोरी हुआ है। सुल्तानपुर के मुदगरपुर से भूपेश पांडे की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज